वेलकम टू बैक। तो आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। तो चोलिस्तान में आए थे इधर दोस्तों के यहाँ, इधर उन्होंने एक वाटर डक उनके पास थी, उन्होंने कहा ये आज बना पकाते हैं। तो वो इधर पकाते हैं, आपको दिखाएंगे। ये बहुत ही आसान बनेगी। वो आलू और ये डक का गोश्त जो है ना, ये मिक्स करके बनाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही आसान बनता है, ये बना के दिखाते हैं आपको, बहुत कम टाइम में ये बनेगा सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इनको अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे, बस इतने का। तो ये अदरक डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको भून लेंगे। तो ये है लहसुन कटा हुआ, रेड चिली पाउडर, ये 2 स्पून हसब ज़रूरत नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाह, डक का जो तैयार किया हुआ था ये डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो बाद में इसमें टमाटर डालेंगे, साबुत रखेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये साफ हो गया, बाकी थोड़ी देर बाद में और निकालेंगे। तो इसको गोश्त भून चुका है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। तो अब इसमें हम टमाटो डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिक्स करेंगे, तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो माशाल्लाह अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इसे तो पकने के लिए छोड़ देंगे, ऊपर ढकना दे देंगे। तो ढकने के साथ इसको बंद कर देंगे चंद मिनटों के लिए, ताकि अपनी स्टीम में ये तैयार हो। तो ग्रीन चिली डालेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तैयार हो रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस ओनली 8 मिनट्स के बाद हम ये सालन उतार लेंगे। तो ये सफ़ेद जीरा डालेंगे, काली मिर्ची, दालचीनी और लौंग, ये मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सालन अभी तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाटर डक, ये सालन उसका तैयार कर चुके हैं हम। माशाल्लाह अभी दोस्तों को ये खिलाएंगे, तो वो खुद ही आपको इसका टेस्ट और बताएंगे खुद ही। तो सालन डाला है, ये तकसीम कर रहे हैं अभी। आप ये बासी भाई, सालन कैसे बना है? अरे
छोटा सा बहुत अच्छा बना है। अबर भाई कैसे सालन पसंद आया आपको? मामा जी कैसे? ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।